तो आज ना इस मशीन का लास्ट डे है घर में। बहुत साथ दे दिया इस मशीन ने, बहुत ज्यादा। अभी भी चल रही है, पर इसमें काफी सारा काम ना बीच बीच में हम कराते रहे थे। काफी बार ये खुल भी चुकी है, तो हमने कहा कि अब सही टाइम है इस मशीन को चेंज कर देने का। अभी कपड़े जो हैं वो वॉश हो ही रहे हैं, तो बस अब ये लास्ट, मैंने कहा ये कैप्चर करना तो बनता ही है, क्योंकि अब बस ये जाने ही वाली है। मैंने कहा एक बार इसके आखिरी दर्शन आपको करा दिए जाए इस वॉशिंग मशीन के। अब जो दूसरी वॉशिंग मशीन आएगी उसको तो आप देखोगे ही व्लॉग्स में, बहुत जल्दी आने वाली है। मैंने कहा चलो लास्ट वॉश है, कल तक आ जाएगी हमारी मशीन, तो आपको ये दिखा दिया जाए। बहुत साथ दिया इसने, बहुत साथ, मतलब जिसे कहना चाहिए ना काफी चली है और अच्छे से मेंटेन। और ऐसा भी नहीं कि एक ही सिटी में रही है काफी, मतलब शुरुआत हुई थी बैंगलोर से, फिर उसके बाद गई है अहमदाबाद, उसके बाद मुंबई, वापस से बैंगलोर आ गई। इतना मतलब चलने के बाद 9, 8.5, 9 साल करीब करीब इस मशीन को हो गए हैं, क्योंकि ये तब की मशीन है हमारी जब हमने अपनी लिटरली जिसे कहते हैं ना गृहस्थी स्टार्ट की थी, हमारी शादी हुई थी उस टाइम की मशीन है ये। बहुत साथ दिया है इसने, बहुत। तो यहाँ पे अब जो है घर का मेकओवर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि घर का मेकओवर मैंने अभी क्यों स्टार्ट किया। प्लान एक्चुअली दिवाली से पहले करने का ही था, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। इतना ज्यादा यू नो सेलिब्रेशन, ट्रैवल, रिलेटिव सब में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि बस बेसिक सी क्लीनिंग करके पूजा कर ली थी, और उसके बाद तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रैवल किया है। ट्रैवलिंग ब्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे, तो वो जरूर चेकआउट करना चैनल पे। आगे भी अभी आने वाले हैं क्योंकि मैंने शूट करके रख लिए थे। और घर के मेकओवर की बात हो रही है और डीप क्लीनिंग ना करूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कि चलो साथ साथ डीप क्लीनिंग भी कर ही देती हूं मैं लगे हाथ। तो यहां पे मैंने धूप दिखा दी है इन पिलोज को, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामान एक्चुअली पैक्ड का पैक्ड ही रखा हुआ है, तो उसमें तो इतनी डस्ट जमी नहीं है, बट मैंने कहा कि बाकी पूरे घर की सफाई एक बार मैं अच्छे से कर ही दूं, नया साल आने से पहले भी एक बार अच्छे से सफाई हो जाए घर की, और मेकओवर साथ साथ हो जाएगा तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। अब यहां पे मैं आ गई हूं अपने बालकनी में, जो कि लीस्ट टच्ड पोर्शन है हमारे घर का। लीस्ट टच्ड इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां का मेकओवर ना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चाह के भी नहीं कर सकती, बिकॉज यहां पे धूप इतनी ज्यादा आती है ना, प्लस बारिश का पानी, आप ये जो विंडो पेन्स देख रहे हो ना, यहां तक पूरा बारिश का पानी आ ही जाता है, तो प्लांट्स जो है ना सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जब हम लोग शिफ्ट हुए ही हुए थे ना, तब मैंने पूरी कोशिश की थी यहां पे प्लांट्स वगैरह लगाने की, पर सारे डेड हो गए थे। तो मैंने कहा चलो जाने दो, प्लांट डेड होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अभी ना इंडोर प्लांट्स ही रखे हुए हैं, जब मैं आपको लिविंग रूम का टूर दूंगी ना तब आप उन्हें देख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने सोप स्प्रिंकल करके अच्छे से, सबसे पहले जो है ना सोप से अच्छे यही झाड़ू से ही रगड़ दिया है, और उसके बाद जो है ना पानी डाल के ही मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया है। बालकनी में जो है ना मैंने सिर्फ ये क्लॉथ स्टैंड रखा हुआ है, ये भी ट्रॉली वाला ही है, बारिश वगैरह होती है तो ये स्टैंड मैं अंदर ले लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ नहीं है। तो चलिए जी, अब बारी आ जाती है इस वॉल की, जो कि आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा मतलब उखड़ गई है। पूरा जो वॉल पेंट था वो निकल के आ गया है। एक्चुअली ये हुआ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, और सीपेज वगैरह बारिश की वजह से भी काफ़ी सारी वॉल्स का यही हाल हो चुका है। बट ये जो आप शीट देख रहे हो ना, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो दिस इज़ एन अमेजिंग वॉल पेपर, इसकी स्टिकिंग और एडहेसिव पावर बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप चाहते हो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ मनी। हालांकि थोड़े से कॉस्टली साइड पे जा सकते हैं ये, बट नॉट एज कॉस्टली एज वाइट वॉश जो आपको पूरा कराना पड़ता है। थोड़ा सा अगर पैच वर्क अगर आपको करना है ना, सो दीज वॉल स्टिकर्स आर रियली रियली अमेजिंग। ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने दूसरे रूम्स में भी दूसरे कलर के, क्रीम कलर का आता है और एक वाइट कलर का आता है, ऐसे वॉल पेपर्स लगाए हुए हैं। इस वॉलपेपर को लगाने के लिए भी ना बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, बहुत ही पेशेंस के साथ, क्योंकि अकेली ही लगा रही थी मैं। मैंने कहा अगर मैंने वेट किया चंद्रकांत का तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, और मेकओवर जब हो रहा होता है आपके घर का, तो स्पेसिफिकली जब आप खुद ही कर रहे हो तो आपको जितना भी टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें मैं तो ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना ज़्यादा वाला काम जो है वो ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट डे कौन सा टास्क आ जाए मेरे पास, आई कैन नॉट
प्रिडिक्ट, बिकॉज जब आप एक मदर होते हो, एक वाइफ होते हो, आपको घर संभालना होता है, तो नेक्स्ट डे यू कैन प्लान आउट बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपको कौन से अपने रूटीन वर्क में कौन सा चेंज कर देना पड़े। तो मैंने कहा कि अभी ये काम हो रहा है तो क्यों ना मैं कर ही दूँ। तो इसलिए आपको मेरे ब्लॉग्स ना बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेंगे फिलहाल जो बिल्कुल एक रूम का मेकओवर हो रहा है तो एक ही रूम का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बीच बीच में ना दूसरे रूम का भी आपको थोड़ा थोड़ा मेकओवर करते हुए मैं दिखती ही रहूँगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी कॉर्नर्स में करनी है मुझे, और ड्रास्टिक वाला भी काम जो है वो मुझे करना ही है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको स्टिक कर ही दिया है बहुत ही मेहनत से, तब भी थोड़े बहुत तो बबल आ ही गए थे, मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैक्सिमम तो स्टिक हो ही गया, लगने की बहुत बहुत सुंदर लग रहा था ये पूरा वॉलपेपर। चलिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये पीछे बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का। अभी ये जो हैंगिंग है ना ग्रीन वाली वो मैंने ऐसी अभी हैंग कर दी है। यहाँ पे मेजर काम अब मेरा यहाँ पे शुरू हो गया है जो कि है इशिता की कबर्ड्स। पता है क्या हुआ था, सारे कबर्ड्स में ना मैंने रात में ही सारे इंटरचेंज कर दिए थे कपड़े, यानी गेस्ट रूम में हम लोगों ने अपने क्लोथ्स अरेंज कर लिए उन कबर्ड्स में, और ये वाले बड़े रूम में इशिता का सारा सामान। अब मैंने रख तो दिया था फटाफट क्योंकि इशिता उस टाइम सो रही थी, मैंने कहा एटलीस्ट शिफ्ट तो कर ही दूं मैं सारा सामान, पर अभी कबर्ड्स के अंदर की क्लीनिंग करनी बची हुई है। तो इन्हीं सब हैंगर्स को यहाँ पे हटा रही हूँ, इशिता की भी मस्ती बीच बीच में चल रही है, जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है ना उसको बड़ा मजा आता है। पर यहाँ पे अब मैं सारी क्लीनिंग करके और हैंगर में ही इशिता की फ्रॉक्स वगैरह अरेंज कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये जो आप देख रहे हो ना ये हैंगर्स, यहाँ पे कर्टन्स वगैरह ही टंगते हैं, तो छोटे छोटे काम ना ऐसे खुद कर लेने चाहिए। यहाँ पे स्क्रूज थोड़े से ढीले हो गए थे तो वही मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसे टाइटन अप कर रही हूँ। छोटे छोटे काम अगर खुद कर लिया जाए ना तो इससे काफ़ी सारा टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं ही निपटा लेती हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो क्लिपिंग, ये है दूसरे रूम की, क्योंकि दूसरे रूम में मैं आ गई थी, मैंने कहा ना आपको मैं बीच बीच में इधर भी कर रही थी उधर भी कर रही थी, और ये पूरे एक दिन का नहीं है, ये अलग अलग दिनों का ही है जो मैंने क्लब इन करके आप लोग के साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर ये जो आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हो ना ये स्पेसिफिक मैंने मेडिसिन के लिए ही मंगाया था, इस पर आप चाहो तो अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हो, लिंक अगेन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऑर्गेनाइजर का। ये रिवॉल्विंग है, ये 360 डिग्री रिवॉल्व होता है, तो यहाँ पे जो है ना मैं बस ये देखती जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एक्सपायर हो गई है, तो उसको तो मैं बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देती हूँ, ना रखती हूँ ना किसी और को देती हूँ, बिल्कुल ही थ्रो कर देती हूँ। तो बस अब जब डीप क्लीनिंग का ही ये एक पार्ट होता है डीक्लटरिंग करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम काफ़ी टाइम भूल जाते हैं। डीप क्लीनिंग तो कर लेते हैं पर हम ये भी सोच लेते हैं कि यार ये तो रख ही लेते हैं, ये रख लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता। तो चलिए यहाँ पे आपके साथ एक DIY शेयर करती हूँ क्विकली। ये वाला जो आप देख रहे हो ना ये कार्टन है ग्रीन टी का, जो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, तो इसको ना मैंने ऊपर के फ्लैप्स जो हैं कट कर दिए हैं, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इन न्यूज़पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस जो हैं इनको स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये सारे आते हैं आयरन के लिए क्लोथ्स देते हैं उनके अंदर वो रख के फिर हमें आयरन क्लोथ्स देता है, तो मैंने कहा यार इन न्यूज़पेपर्स को फेंका क्यों जाए, इनके लिए एक DIY छोटा सा बनाया जो क्विकली आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगला दिन और यहाँ पे अब मेरी ड्यूटी जो है टॉयज़ को क्लीन करने की है। इशिता जो है स्कूल जा चुकी है, बट उसके जाने से पहले ना मैंने उससे पूछ लिया था लास्ट नाइट ही कि कौन से ऐसे टॉयज़ हैं जिनके साथ वो खेलती है और कौन से हमें डोनेट कर देने हैं। तो अलग अलग सेक्शंस इस बॉक्सेस का, इस ऑर्गेनाइजर का मैं बनाती जा रही हूँ, जो डोनेट करने वाले हैं वो मैं इस पॉलीबैग में डालती जा रही हूँ, तो वो मैं अपनी मेड को दे दूंगी क्योंकि उसकी भी छोटी सी बच्ची है, तो उसके ही काम आ जाएंगे खेलने के, बिकॉज फॉर सम टॉय शी हैज़ रियली ओवरग्रोन। तो अब यहाँ पे जो है मैंने ना आप ये ब्लू बकेट जो देख रहे हो इसमें डिटॉल डिसइंफेक्टेंट डाल दिया है, और क्लॉथ की हेल्प से ही यहाँ पे मैं इन टॉयज़ को वाइप करती जा रही हूँ, बिकॉज ये काम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये मैं ना अकेले नहीं कर पाती। तभी मैंने इशिता से ना पहले ही पूछ लिया था कि कौन से ऐसे टॉयज़ हैं जो हटाने हैं और कौन से रखने हैं। कुछ टॉयज़ अभी भी वो बिल्कुल नहीं देने दे रही है, तो मैंने नहीं दिए, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा और अटैचमेंट होता है ना टॉयज़ वगैरह से। हम भी अपने घर जब जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी निकालती हैं हमारी मम्मा जो बिल्कुल हमने बचपन में खेली हुई हैं, तो वो हम रखते ही रखते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी भी जाके बहुत अच्छा लगता है, खेलते नहीं उनसे पर हाँ अच्छा बहुत लगता है। तो यहीं पर मैं सारे जो टॉयज़ वगैरह हैं वो क्लीन करती जा रही हूँ, और मैंने आप से कहा था ना कि हमारी वॉशिंग मशीन आने वाली है, तो हाँ जी आज शाम तक वो आ जानी है, तो वो भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा, बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है ये। तो बस यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ये लीजिए आ गई है हमारी वॉशिंग मशीन सैमसंग 7
केजी फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक एंड ऑफ कोर्स एआई एंड वाईफाई अनेबल्ड। तो इसकी और डिटेल्स ना आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हमने ये परचेज की है ऑनलाइन ही, और जहां से हमने परचेज किया उसका परचेजिंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चेक करिएगा। यहां पे ना मैं एक्चुअली इन लोगों से बात कर रही थी कि कहां पे रखवानी है, क्योंकि ये लोग ना इंस्टॉल नहीं करने वाले थे। तो चंद्रकांत ऑफिस में ही थे तो उनका मैसेज आया था कि आने वाला है तो ज़रा ध्यान से देख लेना, सब कुछ चेक कर लेना। तो यहीं पर ना ये अनबॉक्स कर रहे हैं और यहीं पर मैंने रखवा दिया था, क्योंकि थैंकफुली मैंने जो है लिविंग रूम का मेकओवर अभी नहीं किया था, क्लीन ही कर रही हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं शू शेल्फ रखने का सोच रही थी। पर चलो ठीक है, एक जगह ऑक्यूपाई हो गई और इसी ड्यूरेशन में ये मशीन भी आ गई तो अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, दूसरी वाली मशीन जो है ना पहली वाली, वो हमने एक्सचेंज ऑफर में ली है, तो वो ये लोग ले जाने वाले थे और ये वाली जो है रख के जाने वाले थे। तो मैंने कहा चलो सब कुछ जो है अच्छे से चेक कर ही लेते हैं। तो सारी स्पेसिफिकेशंस ये देखिए हमारी जा रही है, मशीन पुरानी वाली चली गई। ऐसा ही होता है चीज़ों का, चीज़ों के साथ ना थोड़ा मेमोरीज जुड़ जाती हैं, और ये तो खास करके साथ निभाने वाली काफ़ी थी। तो यहाँ पे जो है ना वो ले गए थे और वॉशिंग मशीन यहीं रख गए थे। इशिता भी काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो भी दोपहर तक आ गई थी स्कूल से, तो उसको ये पता था कि वॉशिंग मशीन आने वाली है, तो शी वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड। सब देख रही है यहाँ पे, बस हम मैं उनसे यही पूछ रही थी कि ये वाला पार्ट जो है कौन सा है, कब आएंगे इंस्टॉल करने के लिए। तो वही सारी चीज़ें जो है मैं पूछने में लगी हुई थी, सारी चीज़ें जो है वो मैंने चेक भी कर ली थी, क्योंकि चंद्रकांत ने बोला था कि एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि जो हमने मॉडल मंगवाया है वो लेटेस्ट 2023 वाला मॉडल है कि नहीं, सारी चीजें जो है चेक कर लेना। तो वो सारी चीजें मैंने यहां पे चेक कर ली थी, और यहां पे ना बस यहीं पे वो रख के चले गए थे, और फिर मैंने अपना काम आगे बढ़ा दिया था। इंस्टॉलेशन के लिए ना नेक्स्ट डे आने वाले थे, मैंने कहा चलो ठीक है एक जगह ऑक्यूपाइड है तो वो ऑक्यूपाइड ही रहने दो, बाकी जो लिविंग रूम है उसको मैं डीप क्लीन और रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना ये लैपटॉप टेबल है जो कि मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ, बट हम लोगों ने ले रखी थी, तो मैंने कहा कि चलो इसका थोड़ा एडवांटेज ले लिया जाए, और इसको मैं बनाने वाली हूँ मंदिर का टेबल, मंदिर इसके ऊपर रखने वाली हूँ, क्योंकि पहले ना मैंने चौकी पर रखा हुआ था, पर मैंने कहा नहीं वो पैर, मतलब हम लोग चलते रहते हैं तो वो रास्ते में आता है, तो क्यों ना यहीं पे मैं अरेंज कर दूं। लैपटॉप टेबल भी सेफ रहेगी, प्लस मंदिर भी हमारा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा यहीं पे। तो नीचे वाईफाई कनेक्शन है, तो नीचे वाईफाई का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैं कहीं और नहीं लगा सकती, क्योंकि प्लग जो है वो यहीं मिला हुआ है, तो इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, और यहाँ पे जो है मंदिर मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर का डीप क्लीनिंग एंड डेकोर जो मैंने प्लान किया है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, पर अभी मैंने यहाँ पे रख तो दिया ही है। मैंने कहा चलो मंदिर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज कर दूं, ये वाला कॉर्नर एटलीस्ट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसके हिसाब से मैं बाकी चीजें जो है लिविंग रूम में अरेंज कर सकती हूं। चीजें भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी थी, जहां मुझे लगा कि नहीं ये वाली चीज पर्टिकुलरली यहां पे बेटर रहेगी, तो वो सारी चीजें मैंने आज के दिन में ही कंप्लीट कर दी थी। तो बस इस ब्लॉग को फिलहाल मैं यहां पे एंड करती हूं, जब टूर दूंगी तब आप विजुअलाइज कर पाओगे मैंने कौन सी चीज कैसे ऑर्गेनाइज की है। तो यहां पे ना थोड़ा थोड़ा करके मैं फटाफट से भी काम इसलिए भी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले काम जो है ना मेरे डेली रूटीन के साथ वाले हैं, तो मेरा काम आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है, मेकओवर चल रहा है, मैंने कहा नहीं ये काम मैंने लग के कर ही लेना है चाहे कुछ हो जाए। सो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज करने में लगी हूँ, सोच भी रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे बेटर लगेगी, क्योंकि मेकओवर के अकॉर्डिंग ना मैंने सामान सारा मंगा लिया था, तो वही सारी चीज़ें विजुअलाइज करके मैं सारा सामान जो है यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल मैंने इस साइड ही शिफ्ट कर दिया है, और बाकी चीज़ें भी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ना मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज यहाँ पे कर दिए हैं। तो फाइनली क्लीनिंग वगैरह का जो पार्ट था ना वो नहीं किया है, बट विजुअलाइज करके यहाँ पे चीज़ें जो है वो मैंने सेट कर दी हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन मंदिर का भी। और ये वाली जो वॉशिंग मशीन है फिलहाल अभी हमारी आज यहीं रहेगी, बिकॉज ये देखो ऐसी कितनी मस्ती करने में लगी, बड़ी खुश है वो क्योंकि वॉशिंग मशीन आई हुई है ना। तो ये वाला जो मॉडल है ना ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है और हमें काफ़ी अच्छे एक्सचेंज ऑफर में मिल गया था, तो इसका तो मतलब रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे,
तो सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये फ्रंट लोड है और इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हालांकि ये वाला कमरा जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे कार्टन वगैरह रखा रहेगा, हालांकि ये 10 डेज तक ना मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर मान लो हमें कुछ एक्सचेंज करना हुआ या फिर अगर कुछ ऐसा लगता है कि हमें अगर कुछ डिफेक्ट निकला तो फिर हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए चंद्रकांत ने भी कहा कि चलो 10 डेज तक जो ये कार्टन यहीं रखते हैं, तो फिलहाल हमने अभी इसी रूम में रखा हुआ है। मशीन है वो इंस्टॉल हो गई है और डेमो देने के लिए एक सैमसंग का ही पर्सन था, वो आया था। तो यहाँ पे हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एक्चुअली क्या क्या फंक्शनैलिटी है इस पूरे सैमसंग ऑटोमेटिक मशीन की। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वॉशिंग मशीन का, क्योंकि ये हमने परचेस की थी ऑनलाइन ही। और ये यहाँ देखिए, ये फर्स्ट वॉश हो रहा है, तो ये शूट करना तो बनता ही था, बिकॉज इट वॉज सो सच एन एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट होता है ना, बिकॉज अभी तक हमारे पास टॉप लोड थी, बट अब जो है हमने फ्रंट लोड ली है, तो हमने कहा कि चलो ये एक शूट करना तो बनता ही है। और इशी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि स्कूल से आके जब मैंने मशीन लगाई थी ना एक लॉट, तो वो तो यहाँ बैठ ही गई थी और उसने पूरा देखा था कि कैसे वर्क हो रहा है, क्योंकि दिखता है ना यहाँ से भी। अच्छा, इसके बाद घर का मेकओवर तो हो गया, मैं पहुँच गई थी पार्लर अपना मेकओवर कराने। हाँ जी, मुझे यहाँ पे कराना था फेस क्लीनअप, तो वो मैंने कराया, मज़े लिए, बहुत ज़्यादा आराम मिला। क्योंकि कोई और आपका काम करे ना वो बहुत अच्छा लगता है, खास करके ग्रूमिंग वाली चीज़। और यहाँ पे मैंने लगे अपना हेयर कट भी करा लिया था, इन द सेंस हेयर ट्रिमिंग करा ली थी, बिकॉज बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। साल में एक बार तो एटलीस्ट मैं करा ही लेती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि 6 मंथ्स में करा लेना चाहिए, बट मैं 1 ईयर ही प्रेफर करती हूँ। तो इतना अच्छा लगता है ना कुछ भी आपके मतलब हेयर डू, खास करके जब कोई और करे ना, चाहे वो स्पा हो चाहे कुछ भी, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं इसी को भी ले आई थी हेयर कट के लिए, मैंने कहा मुझे याद रहेगा कि कब हेयर कट हुआ है मेरा, तो साथ में इसका भी एक साल में एक बार करा ही देती हूँ। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, कुछ भी अच्छा लगा हो व्लॉग में तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।